चालू का रास्ता रोका जा रहा है शाहबाद पुलिस की जानिब से। पुलिस वाले गुंडागर्दी करे चाहे उन मोदियों को रोके, औरतों पर क्यों आप करिए करते हैं? खवातीन पुलिस यहाँ पर और कुछ अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया आया है, मीडिया को आंखों से देखता है कि पुलिस क्या कर रही है। आप इतनी मेहनत कर लेना लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने में, किसी और जगह पे जहाँ होते, लेकिन ये आप इन पुरअमन औरतों को और बच्चों को और अपराध को आप लोग जिनके पास कोई असला नहीं है, निहत्थे लोग हैं, कानून आपको अभी को डर लगा हुआ है। डंडे मारो फिर सबको साथ, तार क्या लगा रहे हो साथ, मारो एक एक डंडा सबको, फिर देखते हैं कौन यहाँ खड़ा रहता है और कौन घर जाता है। डंडे भी मारो ना खाली, ये तार मीडिया को जाने दे। बोले जी चले जी, आपको नजर आ रहा है वो किसकी तरफ खड़ी हुई है, उधर मौलवी डंडे पर दार खड़ी हुए हैं, उनसे डंडे छीनने की हिम्मत तो नहीं है, औरतों का रास्ता रोकने की हिम्मत है, वाह वाह जी इनको करें। Who is behind the story? जी देखिए आईजी साहब जिम्मेदार हैं अपने अफसरान के, और अगर आईजी साहब अपने अफसरान की बदमाशी नहीं रोक सकते उन्हें खुशी छोड़ दें। आराम से यार आगे भी लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? हमें पता है हमारी दावत पे आइए, आप दावत दावा फातिमा आतिफ जी प्लीज आए। उनके मर्द क्यों बात करेंगे, उनके मर्द क्यों बात करेंगे, औरतें खुद बात करेंगी। छोड़े रास्ते खोले आप, मर्द क्यों बात करेगा? आप इधर से आए, आप आए इधर से, आप इधर से आए, आप इनको बोले इधर से आए, ये यही रास्ता है, इधर से आना आप हमारे साथ आइए, रास्ता खोले, खोले रास्ता, रास्ता खोले, खोले रास्ता आने दे। महीने पहले एनओसी के लिए अप्लाई किया था, 6 जनवरी को हमने अपनी एनओसी जमा करवाई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। हमने उन्हें बताया था कि हमारा मार्च का रूट क्या होगा, और हमने ये भी बता दिया था कि इट इज़ नॉन निगोशिएबल, हम किसी तरह की निगोशिएशन पे नहीं बैठेंगे। इन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया, और कल रात को 11 बजे आईजी कॉल करके कहता है कि हमें आपसे बात करनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी रियासत है जिसके कानून प्रोवाइड करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रात के 11-12 बजे औरतों से ये कहते हैं कि हम आए, आप हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, थाने पे आए, हम आपसे बताएं कि आपका मार्च कैसे होगा। हमने पहले ही बता दिया है रियासत को मार्च कहाँ होगा, औरतें अपना इत्तेजाज कहाँ रिकॉर्ड करेंगी, उस जगह का तयन हम करेंगे, रियासत नहीं करेगी। हमने रियासत को ये अख्तियार नहीं दिया, और वो ने देखा ये वही रियासत है, ये वही रियासत है जिसके
चाहे अदालतों में पेश ना हो, जिसके लाडले चाहे सड़कों आप सड़कें बंद करके बैठे हो, इसी डी चौक के इधर आगे कई कई महीने धरने रहे, वहाँ पे धरने का हक मतलब इस मुल्क के जो इलीट तबके की सियासी पार्टियां हैं वो यहाँ धरने दे सकती हैं, बाकी हम औरतें नहीं दे सकती मेहनत कश तबके की। हमने ये आपके सामने ये बैनर रखा है, ये यहाँ पितरशाही का जनाजा हमने रखा है, पितरशाही का, जागीरदारी का, मुलायत का और सरमायादारी का, ये आमरियत का जनाजा भी है। हम इस आमरियत के जनाजे को यहाँ पे रख के बैठे हैं और इसके सामने हमने नाम लिखे उन तमाम औरतों के, उनकी लाशों के, उनकी उन औरतों का। हम अभी आज यहाँ पे बैठे हैं और हमने यहाँ पे अब अपने मार्च का, अभी 2 बजे हमारे लोग आने वाले हैं, इन्होंने हर जगह से रस्ते बंद किए हुए हैं, इन्हें ये लगता है हमें धमका रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे FIR काटेंगे। हम इन्हें ऐलान करते हैं जो सुन रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये रियासत पाकिस्तान, ये PDM की गवर्नमेंट, आ आके हमें आप गिरफ्तार करें, जेल भरो, तहरीक हकीकी क्या होती है ये इस मुल्क की औरत आपको बताएगी, इमरान खान नहीं बताएगा। नहीं मांगेंगे हम प्री अरेस्ट बेल, आया कि हमें गिरफ्तार करें, लेकिन हम अपना जहाँ से जलसा करके निकलेंगे। मौजूद हैं, हम उन्हें चाहते हैं कि इसे डॉक्यूमेंट करें। आज के इस जो है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है उसको आज आप डॉक्यूमेंट करें। औरतें पाकिस्तान के अंदर हमेशा से सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ही ट्रीट की जाती है। यहाँ पर मौलवी का राज हो, TLP का राज हो, यहाँ पे लाल मस्जिद वाले